पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के जीवन पर आधारित पुस्तक धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत का विमोचन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किताब का विमोचन कर स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। वसुंधरा राजे ने भैरव सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। यह किताब रिटायर्ड IPS बहादुर सिंह राठौड़ ने लिखी है। भैरव सिंह शेखावत जब उप राष्ट्रपति बने तो उनके निजी सचिव बहादुर सिंह थे। इस किताब में स्वर्गीय भैरव सिंह के यादगार पलों और राजनीतिक जीवन से जुड़ी बातों को शामिल किया गया है। किताब के विमोचन कार्यक्रम में नरपत सिंह राजवी, राजपाल सिंह शेखावत सहित BJP के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। समेट के आप किताब पे लिख जितना लिख सकते थे उतना आपने किया है, परंतु ऐसा व्यक्तित्व और सब लोगों ने जिसने अभी भाषण दिया है सबने उनके बारे में आप लोगों के सामने वो बात रखी है। मैं तो समझती हूँ कि एक हिस्सा ही था। मैं अभी राजपाल जी को यही कह रही थी, राजपाल जी अपन जब पब्लिक मीटिंग में जाते हैं और अपन जब कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकें करते हैं तो एक अलग ही वातावरण होता है। आज ऐसा लग रहा है कि भैरव सिंह जी खुद ही हम लोगों के बीच में यहाँ है और ये इतने सारे लोगों को, 33 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को और हम लोग सबको एक सूत्र में पिरोने का काम जो उन्होंने इतने सालों से किया, ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग किसी एक दूसरे को या कोई सीरियस भाषण देने को यहाँ खड़े हैं। ऐसा लगता है कि हम अपनों के बीच में ही हैं और आज हम सब उनकी यादों के अंदर, आप लोग, आपने जो पुस्तक लिखी उनकी यादों के अंदर सब बह गए हैं।